पूर्वी दिल्ली लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने संकल्प पत्र जारी किया है। इस मौके पर विधायक ओपी शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी, विधायक अभय वर्मा, शहादरा जिला के जिला अध्यक्ष संजय गोयल, मयूर विहार जिला के वीरेंद्र धामा, अन्य भाजपा नेता इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं संकल्प पत्र जारी करते हुए हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने पूर्वी दिल्ली में छाप छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। पूर्वी दिल्ली को जाम और प्रदूषण को मुक्त करने के लिए उन्होंने NH 24 को चौड़ीकरण कराया है। वहीं देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया गया है। कड़कड़डुमा में IP यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू कराया गया है, जहां विदेश से आए छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। पार्क के विकास बोर्ड की गठन हुआ था, वो केजरीवाल साहब की सरकार आने के बाद डिफंक हो गया और अल्टीमेटली बंद हो गया। हम अपने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके प्रयास करेंगे कि यमुना पार्क की डेवलपमेंट के लिए, ट्रांस यमुना की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर अलग से बोर्ड होता है तो उसके फंड्स की मुहैया कराना भी इजी हो जाता है। और यहाँ के, क्योंकि हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, हमारे 10 में से 7 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, पार्षद कम ज्यादा हो सकते हैं, उन सबके लिए भी जो फंड्स हैं वो यमुना पार विकास बोर्ड से इजीली प्रोजेक्ट्स पास होकर के मिल पाते हैं, जिसके कारण से आपको ध्यान होगा कि खुराना जी की सरकार के समय में जब यमुना पार विकास बोर्ड का गठन हुआ था, आदरणीय BL शर्मा प्रेम जी भी उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ था, उसके कारण से ही यमुना पार्क का विकास, जितने फ्लाईओवर्स बने थे ये उसी की देन है। तो इसलिए यमुना पार्क विकास बोर्ड भी एक बड़ा काम है। हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से बात करके यमुना पार्क विकास बोर्ड का भी गठन करेंगे। उसके लिए चाहे हमें दिल्ली की सरकार जब तक है, अगर हमें उनके पास भी जाना पड़ेगा तो हम उनके पास भी जाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। वहीं क्षेत्र में मेट्रो की कनेक्टिविटी हुई है।